तो चलिए आज बात करते हैं उन लोगों के बारे में जिनको गूगल ने हायर किया है सिर्फ इस मकसद के लिए कि किस वेबसाइट को हिट लगानी है, पेनल्टी लगानी है, और किस वेबसाइट को हिट नहीं लगानी। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं EEAT के ऊपर, जो कि एक कॉन्सेप्ट है जिसके अकॉर्डिंग आपकी वेबसाइट्स को इवेल्यूएट किया जाता है बाय ह्यूमंस। उनको क्वालिटी रेटर्स भी बोला जाता है, और इनको गूगल ने हायर किया हुआ है सिर्फ इस मकसद के लिए कि वेबसाइट्स की क्वालिटी को इंश्योर करेंगे। इवन दो उनके पास बहुत तगड़े एल्गोरिथम्स हैं, बट स्टिल दे नीड ह्यूमंस। ओरिजिनली ये कॉन्सेप्ट सिर्फ EAT था, बट 2022 दिसंबर में तकरीबन गूगल ने इसमें एक और ई ऐड किया था। तो इन्हीं के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप लर्न कर सकें कि आपकी वेबसाइट को पेनल्टी से कैसे बचाना है, आपने क्या एलिमेंट्स ऐसे ऐड करने हैं जिससे आपकी वेबसाइट एक अथॉरिटी वेबसाइट, एक क्वालिटी वेबसाइट बन सके गूगल की नजर में। आप EEAT को रैंकिंग सिग्नल मान भी सकते हैं, ना भी माने, तकरीबन एक ही बात है। बट इसमें जो क्राइटेरिया आता है, उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हमारी वेबसाइट को इवेल्युएट किया जाता है कि क्या ये वेबसाइट क्वालिटी वेबसाइट है या नहीं है, एंड उसी बेस पे अप रैंक या डी रैंक होती है वेबसाइट। बात करते हैं ये EEAT बनता क्या है। ई स्टैंड्स फॉर एक्सपीरियंस, सेकंड ई स्टैंड्स फॉर एक्सपर्टीज, A stands for authoritativeness and T stands for trustworthiness. तो मिलके ये बनते हैं experience, expertise, authoritativeness and trustworthiness. तो इन चारों elements के बारे में one by one बात करते हैं। तो सबसे पहला जो E है वो है experience का, उसके बारे में बात करते हैं। Experience का बड़ा आसान सा मतलब है कि जो author है, जो articles लिख रहा है उस website के, जो information वो लिख रहा है, जिस भी topic पे वो लिख रहा है, क्या उसका first hand experience है उस चीज के बारे में जो information वो provide कर रहा है उन articles में। For example, आप iPhone review की बात करते हैं अगर अपने आर्टिकल के अंदर, तो आपको ये शो करना है कि आपका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस रहा है उस मोबाइल फोन को यूज करने का। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है एफिलिएट वेबसाइट्स के लिए, जिनमें लोग प्रोडक्ट्स को मेंशन तो कर देते हैं, रेकमेंड तो कर देते हैं, लेकिन खुद यूज नहीं करते। तो इसी वजह से बहुत सारी एफिलिएट वेबसाइट्स खतरे में चली जाती हैं, क्योंकि 80-90% वो लोग ही ब्लॉग्स बना के बैठे हैं जिन्होंने आज तक उस प्रोडक्ट को खुद टच तक नहीं किया होता, और वो ब्लॉग्स बना रहे होते हैं उन प्रोडक्ट्स के बारे में, रिव्यूज बना रहे होते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट अच्छी है या बुरी है, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च, कहीं इधर देख लिया कहीं वहां से देख लिया, बट खुद यूज नहीं किया हुआ। दैट वाज द रीजन गूगल ने इस एलिमेंट को इंट्रोड्यूस करवाया। तो ये बहुत सारी चीजों में हेल्प करती है जो एंड यूजर है उनको। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को कोई रेसिपी देखनी है किसी चीज की, तो वो ज्यादा बेनिफिट उस बंदे की कंटेंट से होगा जिस बंदे ने खुद ऑटमील की रेसिपीज बनाई हुई है, ना कि किसी ऐसी वेबसाइट के आर्टिकल से जो किसी ने भी फ्रीलांस हायर कर लिया एंड इंफॉर्मेशन इधर उधर से क्यूरेट करके एक आर्टिकल बना के फेंक दिया। तो जाहिर बात है एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन के लिखे हुए आर्टिकल में और एक ऐसे पर्सन के जो इधर उधर से इंफॉर्मेशन देख के लिखेगा, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। दूसरी चीज है एक्सपर्टीज। एक्सपर्टीज का सिंपल मतलब है कि एक बंदा जिस भी टॉपिक पे इंफॉर्मेशन लिख रहा है, क्या वो बिगिनर है या वो एक्सपर्ट लेवल का पर्सन है। बहुत आसान चीज है, आप ड्राइव करते हैं, आप बिगिनर ड्राइवर हैं या आप एक्सपर्ट ड्राइवर हैं, तो जो इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बारे में आपकी एक्सपर्टीज होना बहुत मैटर करती है जिस भी टॉपिक पे आप इन्फॉर्मेशन लिख रहे हैं। एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज को अब आपने डिफरेंस समझना है। एक्सपीरियंस का मतलब कि पर्सनली एक्सपीरियंस किया हुआ है उस चीज को। एक्सपर्टीज का मतलब कि आज पहला दिन नहीं है उस चीज के बारे में बात करने का, 6 सालों से मैं एक काम कर रहा हूँ, मेरे पास एक्सपर्ट लेवल इन्फॉर्मेशन है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज। आप अपनी वेबसाइट पे एक्सपीरियंस कैसे शो करेंगे, तो जिस भी चीज के बारे में आप लिख रहे हो उसको यूज करने के एक्सपीरियंस के विजुअल्स, दैट मीन्स अगर आप ड्राइविंग से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको ड्राइव करते हुए पिक्चर्स देनी है। यस, यू आर सिटिंग ऑन अ व्हील, आप ड्राइव कर रहे हैं, उस चीज की पिक्चर्स आपने लगाई हैं। आप ऑडियोज प्रोवाइड कर सकते हैं, विजुअल्स हो सकते हैं, या फिर आप लिंक्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं, सोशल मीडिया के भी हो सकते हैं वो, जिससे ये प्रूव हो जाए कि यस आपने एक्सपीरियंस करी है वो चीज। तो आप लोग अक्सर बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स देखोगे जिनके ऊपर मेंशन होता है ये इन्फॉर्मेशन हमने कैसे प्रोवाइड की है, आप क्यों ट्रस्ट कर सकते हैं हमारी इस इन्फॉर्मेशन के ऊपर। तो ये जो एलिमेंट था बेसिकली वो एक्सपीरियंस का ही था। तो अब अगर आपको ये देखने में आ रहा होगा कि यार आज हमें पता चला इन चीजों का, पहले तो हमें पता ही नहीं था, तो बहुत लेट कर चुके हैं। इवन बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स थी जो इस कॉन्सेप्ट के आने से पहले भी ये चीज इंप्लीमेंट करके बैठे हुए थे। क्यों? क्योंकि वो ओरिजिनल थे। इसी तरह से आपके आर्टिकल के बॉटम पर ऑथर इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख रहे हो। तो यहाँ पे इस बंदे ने स्विम यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट उसके बारे में उसने बताया हुआ है, जी फाउंडर है स्विम यूनिवर्सिटी का, हैज बीन इन द पूल एंड स्पा इंडस्ट्री सिंस 1993। देखें, एक बंदा अगर 25 साल से इस इंडस्ट्री के अंदर है एंड ही इज पोर्ट्रेइंग दैट कि मैं हूँ इस चीज के अंदर, दैट इज व्हाट यू हैव टू शो कि भाई हाँ, जो ऑथर है वो इस चीज में इन्वॉल्व्ड है, एक्सपीरियंस्ड बंदा है, कई सालों से इस चीज को कर रहा है। दैट इज व्हाट यू हैव टू शो इन योर कंटेंट, ताकि गूगल को ये पता चल सके। और हर आर्टिकल के अंदर बार बार पिक्चर्स देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको,
जस्ट अगर आप ऑथर बायो के अंदर अपनी इन्फॉर्मेशन इनफ दे देते कि यस एक बंदा है जो इतने सालों से इस चीज के अंदर एक्सपीरियंस रखता है और जो जो अचीवमेंट्स हैं अगर आप मेंशन कर देते हैं दैट इज मोर देन इनफ टू गेन एक्सपीरियंस इन आईज ऑफ गूगल। लेकिन एक और चीज याद रखिएगा, आप यू कांट फेक इट, आपको स्टिल मेक श्योर करना है कि जिस भी ऑथर को आप यूज कर रहे हैं उसको बाहर से भी कोई रेपुटेशन उसकी एग्जिस्ट करती है, उसके नाम से कुछ लिंक्स हैं, उसके नाम से कुछ आर्टिकल्स हैं, दैट शोज कि वो बंदा एग्जिस्ट करता है, उस बंदे को और लोग जानते हैं, दैट विल बी द प्रूफ कि यस ये जो पर्सन है हम इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, ये ट्रस्टेड है, ये जेन्युइन बंदा है, ये एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, इसकी इन्फॉर्मेशन फेक नहीं हो सकती। दैट इज हाउ गूगल इवैल्यूएट्स दिस। अब बात करते हैं सेकंड एलिमेंट की जो है एक्सपर्टीज। एक्सपर्टीज का मतलब ये है कि जिस भी फील्ड के बारे में बात करें, जिस भी टॉपिक के बारे में बात करते हैं, आप बिगिनर नहीं है, पहले भी बता चुका हूं कि आपके पास हाई एंड लेवल का नॉलेज है, आप चूंकि एक्सपीरियंस रखते हैं तो आप एक्सपर्ट लेवल की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये सिर्फ कॉन्टेंट लेवल पर ही रहेगा, पूरी की पूरी वेबसाइट कैलकुलेशन नहीं होगी इसमें, जस्ट आपके कॉन्टेंट के ऊपर ही इसका फोकस रहता है। अब उसकी वजह यह है कि गूगल बेसिकली ये चाहता है कि अगर आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं आपको सब्जेक्ट एक्सपर्ट होना बहुत जरूरी है, जिस भी मैटर पे आप बात कर रहे हैं आप एक्सपर्ट होंगे तो ही वो इन्फॉर्मेशन एंड यूजर को हेल्प कर सकेगी। तो बेसिकली ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, इसकी ज्यादा जरूरत गूगल को पड़ी थी ऐसे टॉपिक्स के लिए जो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, जिनको आप YMYL भी बोलते हैं, योर मनी योर लाइफ, दैट मीन्स के हेल्थ रिलेटेड या ऐसे टॉपिक्स जिससे एक एंड यूजर की जो लाइफ है डायरेक्टली इंपैक्ट होती है। एक बंदा एज एन ऑथर अगर हेल्थ के बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है तो एंड यूजर अगर उस इन्फॉर्मेशन की बेस पे डिसीजन ले तो उसकी हेल्थ इंपैक्ट हो सकती है। सो दैट्स व्हाई इस तरह के टॉपिक के लिए आपको शो करवाना पड़ता है, यू आर एन एक्सपर्ट, आप अपनी फॉर्मल एजुकेशन शो करवाएंगे, क्वालिफिकेशन शो करेंगे, एजुकेशन शो करेंगे, सर्टिफिकेट्स शो करेंगे, यू विल प्रूव दैट यस आई एम एन एक्सपर्ट, आई एम नॉट अ बिगिनर। तो डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक एंड नेचर ऑफ द टॉपिक जिस पे बात कर रहे हैं आपको वहां पे अपना फॉर्मल एक्सपीरियंस शो करना होगा, एवरीडे एक्सपर्टीज शो करवानी होगी कि भाई हाँ मैं डेली लाइफ में ये चीजें एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, कल मेरे साथ ऐसा हुआ, आज मेरे साथ ऐसा हुआ, अगर आपके साथ भी ऐसे सिनेरियो पेश आ रहा है यू हैव टू डू दिस एंड दैट, जो भी आगे प्रोसीजर है आप उसको बताएं। तीसरी चीज है अथॉरिटेटिवनेस। ये बेसिकली काइंड ऑफ रेपुटेशन होती है, आपकी रेपुटेशन दूसरे लोगों के नजरों में, भाई ये जो बंदा है या ये जो वेबसाइट है इसके बारे में दूसरे लोगों का क्या कहना है, दूसरी वेबसाइट्स का क्या कहना है। तो यूं कह लें काइंड ऑफ लिंक बिल्डिंग आप करते हैं आपकी वेबसाइट की, वो इन्वॉल्व हो जाती है इसमें। तो आपकी वेबसाइट के बारे में या आपके ऑथर के बारे में दूसरी वेबसाइट्स क्या बात कर रहे हैं, क्या रिव्यूज अवेलेबल हैं, क्या रेफरेंसेज अवेलेबल हैं, दैट मींस लिंक्स, कोई आर्टिकल्स अवेलेबल हैं, कोई रिकमेंडेशंस अवेलेबल हैं, अगर तो उनको इनफ क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है आपके ब्रांड के बारे में, आपके ऑथर्स के बारे में, दैट इज इनफ टू मेक श्योर कि आपको पेनल्टी नहीं लगेगी। तो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि किस तरह के सोर्सेज और किस तरह की रिकमेंडेशंस गूगल पसंद कर सकता है। फॉर एग्जांपल ऑप्शन ये हो सकती है कि आपका विकिपीडिया के ऊपर एक पेज बना हो, आपकी कंपनी के बारे में, आपकी वेबसाइट के बारे में डिटेल्स वहां पे मेंशन हो, दैट इज इनफ टू प्रूव कि आपकी वेबसाइट की रेपुटेशन है। अगर इतना बड़ा ट्रस्टेड सोर्स आपको रेफरेंस दे रहा है, आपके बारे में बात कर रहा है, वो इनफ होता है। इसीलिए कहा जाता है कि अक्सर बड़ी बड़ी जो वेबसाइट्स होती हैं उनसे अगर लिंक्स ले लिए जाएं तो आपकी वेबसाइट बहुत हद तक सेफ रहती है। क्यों? क्योंकि उन वेबसाइट्स की जो अथॉरिटी होती है वो आपके तक पास होती है। नंबर फोर पे है ट्रस्टवर्थीनेस। ट्रस्टवर्थीनेस का मतलब यह है कि क्या ये वेबसाइट ट्रस्ट की जा सकती है, क्या ये लेजिटिमेट है, क्या ये एक्यूरेट है जो भी इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसके लिए जरूरी होता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो, दैट शोज कि ये बंदा एग्जिस्ट करता है, इसकी ये डिटेल्स हैं, ये ईमेल है, ये नंबर है, एड्रेस है, इस तरह की जो चीजें होती हैं वो आपकी लेजिटिमेसी को प्रूव करती हैं। इसके अलावा जितना ज्यादा रेलेवेंट लोग आपके बारे में बात कर रहे होंगे उतना ही ज्यादा आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो ये सारी चीजें करने के लिए बेसिकली एक ह्यूमन टीम बैठी हुई है जो आपकी वेबसाइट्स को इवैल्यूएट करते हैं इन एलिमेंट्स की बेस पे, एंड देन डिसाइड करते हैं कि भाई ये बंदा क्वालिटी है, ये बंदा ट्रस्टेड है, एक्सपीरियंस्ड है, एक्सपर्ट है, एंड ऑल दैट। होपफुली आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, 1 मई को इंस्टाग्राम के ऊपर एक फ्री एसईओ का कोर्स रिलीज होगा जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको इंस्टाग्राम का यूजर नेम भी नजर आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक भी मिल जाएगा जहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्रॉपर लेंथी कोर्स होगा, मजीद डिटेल्स आपको इंस्टाग्राम पे ही मिल जाएंगे, मेक श्योर आप फॉलो कर लें। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।